या सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 3/2x + 1, तो 1 हो गया इसका y इंटरसेप्ट, वेरी गुड, तो यहां से लाइन जाएगी, और इसका tan थीटा इज 3/2 है ना, तो कितना हो गया 1.5 के आसपास हो गया, तो 45 से थोड़ा ऊपर हो जाएगा एंगल है ना, बनाओ। But why are you making all those things? वैसे नहीं ड्रॉ करना हमको, mx plus c वाले से ड्रॉ करना ना। So it won't be 1.5. Why? Why? 1.5 कैसे होगा? ये देखो ना, देखो मैं बता रहा हूँ। Annotate, start drawing, okay. अभी मैं कर रहा हूँ ब्लैक से, सो फॉर एग्जाम्पल, और आई कैन डू इट विद ग्रीन ब्लू, ठीक है, सो सपोज ऐसा है, ठीक है, अभी ये इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3/2x + 1 है ना, 2 उधर गया, तो ये हो गया, yes. हाँ yeah. तो ये हो गया m, और ये हो गया c, yes, sir. c is y intercept, तो इसका मतलब इस यहाँ इस पॉइंट से 1 से y जो 1 होएगा वहां से पास होएगी लाइन, उसका एंगल कितना yes. होना चाहिए, इसका एंगल होना चाहिए सच दैट tan थीटा इज इक्वल टू 1.5, तो tan थीटा इक्वल टू 145 डिग्री पे होता तो 1.5 थोड़ा ऐसे होएगा, दिस इज हाउ द ग्राफ विल बी, है ना, ओके गॉट इट, चलो ओ डैम, ओके ठीक है, लाइक दिस, got it, चलो अब इसके लिए बनाओ गाइस, 2y + 4x + 2 = 0, इसका ग्राफ बनाओ फटाफट, यहाँ पे कौन बनाएगा, चलो कौन बनाएगा, इशिता बनाओ, कम इशिता, एनोटेट हियर, मुझे क्वेश्चन नहीं दिख रहा, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द इक्वेशन 2y + 4x + 2 = 0, क्या कैन यू सी, so okay. just one second, I'll just solve this one. Okay. Meanwhile, Maya Zen, chalo tum aa jao. 2y + 4x + 2 = 0. Ye graph banao. सबसे पहले इसको सिंपलीफाई तो करो, y इक्वल टू mx plus c के फॉर्म में, x इक्वल टू माइनस 1, माइनस 10 को करने दो, यस सर, y विल बी इक्वल टू 2y = -4x - 2, y विल बी इक्वल टू -2x - 1, सो व्हेन y विल बी 0, so when y will be -1 x will be 0, नहीं ऐसे नहीं करना, वो tan theta और tan theta और c से करना ना, इसका c कितना आया, y intercept कितना आया, -1 आया, इसका मतलब y equals to -1 के थ्रू क्रॉस कर रहा होगा, और m कितना आया, m आया इसका -2, m आया है ना, इसका मतलब 45 डिग्री से और ज्यादा होएगा, लेकिन माइनस के डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ है ना, तो बेसिकली इट लुक लाइक दिस, ये देखो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है ना, सो इट्स मेकिंग दिस एंगल थीटा सच दैट इट्स लाइक दिस, ठीक है बन गया, आ गया पैराबोला, जो जो तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c, और ये होता है पैराबोला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसका पैराबोला बनता है, ठीक है, ये सब तो मैथ में डिटेल में पढ़ोगे, बट अभी यहाँ पे ऐसी दिखा देते हैं जनरल इक्वेशन, y = ax² + bx +, ठीक है, ये देखो ऐसा होएगा तो इट बी y = 4x² + 3x, ऐसा होगा तो इट बी y = -4x² + 3x, ठीक है, लाइक दिस, सो इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन इट्स ओपनिंग अपवर्ड्स, इफ a इज लेस देन 0 देन इट्स ओपनिंग डाउनवर्ड्स, एंड इफ c = 0 then it passes through origin,
ठीक है, तो खुद से ही तुम प्लॉट करके भी देखोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। तो यहां से अब हम करना शुरू करते हैं ग्राफ। चलो ठीक है, तो यहां पे लेट मी मेक दिस। चलो नाउ लेट्स मेक व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, तो उसका ये हो गया एक्स टी ग्राफ, इसका ये हो गया वी टी ग्राफ। ठीक है, अब इस पे ड्रॉ करके बताओ मेरे को कौन ड्रॉ करेगा। कैन आई? इशिता एंड सिद्ध कम इन। सो सिद्ध यू कैन ड्रॉ द एक्स टी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट एंड इशिता यू कैन ड्रॉ द वी टी ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। चलो ओके। इशिता वीटी ग्राफ कैसा होएगा इसका, कुछ सोचो। बॉडी अगर रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अगर बॉडी रुकी हुई है। या तो एक सेकंड बन नहीं रही। ओ टेक्निकल इश्यूज। और कोई? Should I make it so? तो तुम ही बता दो ना, ऐसे इशिता ऐसी बता दो। If you're not able to do that, कैसा बनेगा ग्राफ? So similar to what the, this is there. Hmm? Horizontal line ना? Where horizontal line कहाँ पे बनेगी? ऊपर। ऊपर। Now tell me, अगर बॉडी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? Zero. Zero होगी ना? तो किसी हाँ. भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। हाँ. तो हमेशा जीरो ही रहेगी ना वेलोसिटी। व्हाई विल इट बी ऊपर? तो इट विल बी लाइक दिस। द एक्स एक्सिस के लाइन पे ही होगा। ओके, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ऑलवेज जीरो लाइक दिस। ओके, सो ऑलवेज थिंक, डोंट ट्राई टू रिमेम्बर अ ग्राफ, बिकॉज अब ना बहुत सारे ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे और होल ऑफ 11 12 डोंट ट्राई टू रिमेम्बर एनीथिंग एट ऑल, ट्राई टू विजुअलाइज इट। Okay, do as many questions as possible, so that will help you visualize it. ठीक है, ये हो गया, body address है, तो x जो है, जिस भी x में खड़ा हुआ था, वहीं पे x उसी जगह पे खड़ा रहेगा, है ना? चाहे कितने भी time पे देखो, और velocity तो हमेशा zero रहेगी, ऐसे नहीं रहेगी, ऐसे रहेगी तो ये constant velocity हो गई, इसका मतलब उसके पास कोई velocity है, ठीक है? चलो next, तो body address हो गया, okay? Now uniform motion, uniform motion का मतलब होता है, क्या होता है? What does uniform motion mean? Constant velocity. Yes. So constant velocity. ठीक है? So this is uniform motion. तो चलो भाई, ये मैं खोल देता हूँ इधर। इसका xt, इसका vt, ठीक है? और थोड़ा सा acceleration time graph भी कर लेते हैं, है ना? Acceleration time. तो आ जाओ, कौन कौन आएगा अब? धृति, मायस एंड अंश गुप्ता कम इन। धृति यू मेक एक्स टी, मायस यू मेक वी टी एंड अंश गुप्ता यू मेक एक्सेलेरेशन टाइम। चलो, आई मीन इट्स सपोज्ड टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, वी टी कैसा होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है? नहीं, किसको बोला था मैंने? मायस को बोला था ना। मायस एंड ड्रॉ वीटी एंड अंश गुप्ता ड्रॉ एटी। चलो क्या हो गया गाइस? मैंने कब कहा है मायस एंड आई एबल टू ड्रॉ? No sir. Why? What happened? Like I press on the pen and then nothing happens. Is it because okay? What about Anj Gupta? Are you able to draw?
Can you scroll down a little bit? I mean, this thing is blocking the graph. But isme scroll ka button nahi hai. Oh, full screen kar. Okay, ek minute. Okay, thank you. Wait, how do you draw in this? I don't know. Annotate ka button. You are viewing Lohit's screen. Lohit's house screen ke baju mein view options hai. Click that aur usme list mein annotate aayega. If you're on your laptop. Okay. It's gonna be like it's gonna be the x-axis only. Huh? Kya? Wait a minute. Or acceleration time graph? So it's going to be the x-axis only. So acceleration time graph will be on the x-axis only because... The x-axis only. Usko banane do na, bhai Dhriti, tumko tumhara de diya, maine bana liya na, let everyone... Sir, I drew it. You drew 80? Haan. To dusre color se karo na, black se karoge to dikhega thodi. Color kahan se choose kare? Wo par format ka option dikh raha hoga. Okay, mil gaya. The velocity time, I think it is wrong. I have made like. तो फिर clear करो और सही करो उसको. Erase करूँगा तो सबका erase तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं होगा. Okay. Yes. Finally अब सही है. ठीक है. तो x जो यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये कहीं से भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे यहाँ का मतलब है कि फिर यहाँ से चालू हो रही है वो और कांस्टेंट वेलोसिटी पे, क्योंकि टैन थीटा इसका कांस्टेंट है ना, टैन थीटा कांस्टेंट होना चाहिए तब कांस्टेंट वेलोसिटी पे रहेगी. वेलोसिटी अगर कांस्टेंट ऑब्वियसली, तो अगर वीटी ग्राफ है इसका मतलब अगर 4 मीटर पर सेकेंड तो 4 ही रहेगी हमेशा, इसलिए इट बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और एक्सेलेरेशन टाइम में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलेरेशन 0 है, इसलिए वो यहाँ पे होगी. ठीक है, ऑल राइट. चलो अब अगर हम यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का बनाना चाहें, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, ओके, तो इसका ये लो एक्स टी, ठीक है, ये हो गया एक्स टी, ये हो गया VT और ये हो गया AT. चलो आ जाओ सिद्ध मर्चेंट, इशिता पांडा एंड तरन्नुम, कम. यस सर. आर यू गाइस देयर? ओके सिद्ध मर्चेंट, यू कैन पिक अप यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का XT ग्राफ, इशिता पांडा यू कैन पिक अप VT ग्राफ, एंड तरन्नुम यू कैन पिक अप AT. Good. BT का क्या हुआ? इशिता पांडा. Very nice. सही बना दिया सबने. That's good. Awesome. ठीक है. तो acceleration time graph जो होगा ये parabola है. ठीक है? Parabola जो अभी हमने पढ़ा था. और VT graph जो होगा straight line होगा. और AT graph obviously constant है, तो same constant acceleration है. Okay. अभी अगर हम कहते हैं यूनिफॉर्म डिसीलरेशन, ठीक है, चलो एक्स टी वी टी ए टी, ओके, धृति एक्स टी और अंश गुप्ता वी टी और कौन बच गया, इशिता पांडा एटी. Which one do I have to draw? Oh, sorry. मुझे कौन सा दिया आपने? पीटी.
Come on, come on. Immediate response. Kya hua? Yaar. Dhriti, kya hua? So my mic, are my, this is coming at the razor only. I can't, okay. I mean, do it, draw. What do you want to draw? Yeah. I'm not sure, but something to write. Jaldi banao, yaar. Something like that. Okay. My line is like a bit, little bit goal see, but it should so be line at least straight. So, aise rahega line, straight line. Theek hai. This is VT. Agar negative wo hai iska inclination, so it's going to be deceleration. Agar positive inclination hota, it would have been acceleration. Similarly, idhar agar aisa hai, to ye deceleration hai. Aur aisa hota, to acceleration hota. So, isme you can see the slope. Pehle was very less and then it started to increase. So, basically, slope in the XT gives us velocity. So, yahan pe, since the slope is increasing like this, it is acceleration. But if the slope is decreasing like this, for example, okay. Pehle slope zyada idhar hai na, fir kam hote 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 kam hote 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 ye ho gaya. Isliye decelerate ho raha hai because yahan pe slope kam ho raha hai. Ab mere ko ye batao kisne kiya hai? Tarunnu ne kiya. Tarunnu isme likha na uniform deceleration. Huh? So that's supposed to be straight line. Who is talking? I can't see. Ishita. But Ishita made it or Tarannu made it? So I made it. I is who? Ishita. Ishita, okay. So Ishita, straight line kya aise? You wanted like this? Or like this? So the second one. Okay. Nahin, to dekho yahan pe ek problem hai. Uniform hai ye. Uniform deceleration. Iska matlab, jo deceleration uska constant hai. तो एक्सेलेशन कांस्टेंट होगा अगर पॉजिटिव एक्सेलेशन होता तो यहाँ पे होता लेकिन ये डिसेलेरेशन है तो नेगेटिव है इसका मतलब इट विल बी लाइक दिस ओके सो दिस इज यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन बिकॉज़ इट इज नेगेटिव एक्सेलेशन ओके ऑलराइट लेट्स गो अहेड चलो अब मेरे को बताओ लेट्स डू समथिंग तरन्नुम इज योर माइक वर्किंग कैन आई टॉक टू यू तरन्नुम Okay, I don't think I can hear her. So, okay, Ishita, you come in. So, suppose, yes, you go in a straight line. Okay, let's do this. Okay. So, yahan pe ho tum khade. Ye tumhara ghar hai. Theek hai? Okay. You live in a village. So, it is an old hut. Okay. Now, from here, your... you go in a straight line to your school. Okay. Keep going. And this is where the entry to your school is. Okay. And then it goes again. And then you keep going and then this is where your school is. A big school like this. Okay. So bahut acche se bana diya abhi. Now the question is this. So suppose you start from here. Actually, this is your starting point. Okay. You start from here and you go. So obviously you are on a you're in a car. So you start here and your car's maximum speed is 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour kitna ho gaya meter per second mein? Ya chalo 54 kilometer per hour kar lo. Fifteen meter per second. 15 meter per second. Theek hai. To yahan se chalu hota aur is point tak accelerate hota hai. और यहाँ से फिर 15 मीटर पर सेकंड तक पहुंच जाता है उसके बाद यहाँ से 15 मीटर पर सेकंड तक आता है तो यहाँ पे भी 15 मीटर पर सेकंड है ठीक है उसके बाद इसको ये दिखता है
गेट, तो यहाँ से तुम ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाते हो तो रुकती है गाड़ी, है ना, फिर ये गेट खुलता है, यहाँ पे आके रुक जाते हो, गेट खुलता है, फिर यहाँ से वापस चालू होता है, ठीक है, फिर यहाँ पे ड्रॉप करते हो, उसके बाद तुम्हारा ड्राइवर यहाँ से वापस यू लेके फिर जाता है, ठीक है। हाँ. अब मुझे इसका एक्स टी ग्राफ बना के दो। एक्स टी Everybody make it in your copy and then I'll ask any one of you to come and make it here. So, एक मिनट सर, 15 टू जो सेकंड पॉइंट 15 है वहां तक इट इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, राइट? या Okay. So, ये स्टार्ट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये पार्ट डी है, ठीक है। सो हाँ, रिपीट द क्वेश्चन, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। द क्वेश्चन इज दिस, कहाँ तक सुना था तुमने? सो इधर ड्राइंग बना रहे थे आप? ओके, ठीक है, मैं समझाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो क्वेश्चन ये है कि यू नो इशिता स्टार्ट्स फ्रॉम हियर व्हिच इज पॉइंट ओ एंड इशिता इज इन अ कार दैट हैज अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। सो ओ से ए तक वो एक्सीलरेट होके 15 मीटर पर सेकंड पे पहुंचती है, उसके बाद इट्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी टिल पॉइंट बी एंड देन दिस इज अ गेट, सो देन शी स्टार्ट्स अप्लाइंग द ब्रेक एंड देन शी स्टॉप्स हियर, द गेट ओपन्स एंड देन शी स्टार्ट्स अगेन एंड देन शी स्टॉप्स हियर, ड्रॉप्स द यू नो ड्रॉप्स इशिता टू स्कूल एंड देन द ड्राइवर गोज बैक। तो इसका अब हमें पूरा पूरे का वापस ओ से लेके ए बी सी डी फिर वापस डी से लेके सी बी ए ओ तक का हमको एक्स टी और वी टी ग्राफ चाहिए। सर ओके सर, एंड इवन सी टू डी ए टी ग्राफ भी चाहिए। हाँ जी, सॉरी सर, फ्रॉम सी टू डी इट्स इट गोज बैक टू 15 और स्लाइटली लेस देन दैट, स्लाइटली लेस देन दैट। ओके, एक्स टी वी टी और ए टी ग्राफ, इनका ये बनाना हमको। चलो बताओ, when you're done let me know. क्या हुआ? डन सर, डूइंग जस्ट 2 मिनट, आई एम ऑन द वीटी ग्राफ। ओके,
So I have a question. Yeah. In the acceleration time graph. In the acceleration time graph, in from O to A, it accelerates from 0 to 15. Then how am I to go back to 0? Because 15 till point B, the velocity is constant, which means there's zero acceleration. Vertical line. What's your question? From 0 to 50, from O to A, that is 0 to 15, the car accelerates. Yeah. But 15 to 15, A to B, again, it is zero acceleration. Acceleration zero, yeah. So, how am I to draw that on the graph? I'm not getting it. This is how. I'll show you. Okay. So, O to A, chalu hua to acceleration tha uske paas, constant hai na? Aise chala? Haan. उसके बाद जीरो हो गया ए से लेके बी तक जीरो हो गया ए से लेके बी तक जीरो चला ओके फिर बी से सी नेगेटिव एक्सेलेरेशन हुआ गेट इट यस सर फिर वापस सी से थोड़ा और पॉजिटिव एक्सेलेरेशन हुआ होगा ठीक है यस इट बी लाइक दिस उसके वापस से नेगेटिव एक्सेलेरेशन हुआ Yes, जाके गाड़ी रुक गई लेकिन गाड़ी रुकी उसके बाद उसकी गाड़ी रुक गई तो क्या हो गया एक्सेलेरेशन भी जीरो सब कुछ जीरो उसके बाद वापस जब बी से उल्टा आने के लिए शुरू हुआ तो अब एक्सेलेरेशन जो हो रहा है दैट विल बी काउंटेड एज नेगेटिव एक्सेलेरेशन क्योंकि उसी डायरेक्शन में लेफ्ट की साइड में हो रहा है ना सो अगेन विल बी लाइक दिस वैसे से करके तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा ओके ओके गॉट इट थैंक यू सर या Others, okay. So Sid Merchant, come in. Sid Merchant, make the XT graph here, and Ansh Gupta, make the VT graph here. Chalo, banao. So do I consider the fact that it's a vector quantity? Like, do I have to go negative? Sorry, say it again. Do I have to go into the negative half of the graph? I mean, because it's a vector. Yeah, yeah, you have to. Okay. But you're making XT graph, right? But are we taking X as distance or displacement? Displacement. So should I go into the negative half because displacement is yeah, but it will never go into negative now because it's starting from O and it's only going positive. So wherever it comes to, it's only positive from O. If at all it would have gone this side, then it will be negative. But it's coming back right from D to O. Yeah. So just draw, then you will get to know. It would not be negative. Just draw and I'll tell you where it is wrong or which one. So Sid, this line that you have made, which is parallel to x-axis, where is it? Is in which part? From A to B? No. What I'm saying is it stops at C, right? Like from B to C, yeah, like it's decelerating and stopping there, right? Okay, yeah, exactly. So that's C. Okay, all right, cool. So basically, this part is a curve. This is a straight line, and again, this is deceleration, and then it stops and it becomes like this. Okay, that's good. So while the car is going back, do we assume the gate that is closed or it's still open? Okay, assume it's open. Okay.
So can you erase a part of your drawing? Okay. No, not that, that, not that, not, oh God. This part. Yeah, I don't know how will I be able to do that because... Just use the eraser. Yeah. तो अंश गुप्ता क्या बनाया बताओ एंड सिद्ध मर्चेंट थोड़ा इशू है सो एक्सप्लेन टू मी व्हाट योर ग्राफ इज मार्क द पॉइंट इज एट व्हिच वेयर हैज ही रीच्ड व्हाट व्हिच इज ए बी सी डी ओके या अंश गुप्ता टेल मी यू आल्सो मार्क ए बी सी डी इन योर ग्राफ सर So in the acceleration graph, shouldn't the lines be slanting? Because like if we are drawing straight line, this means that in like in 1 second, the acceleration directly drop from 5 to 2 or something. That's how it is. So at absolutely. Okay. So it is accelerating and then suddenly you stop accelerating and then it's just at constant velocity. For velocity, we draw slanting lines and not for acceleration. Velocity, we draw what? Slant lines. Yeah. So, O से जैसे इसने बनाया ना, O से A accelerate हो रहा है तो ऐसा गया, okay. तो A से B फिर constant velocity थी तो उसकी ऐसे गई, okay. B से C फिर decelerate हुआ तो ऐसा हुआ, okay. फिर डिसलेट हुआ उसके बाद जीरो वेलोसिटी ना थोड़ी देर वो रुका हुआ है तो थोड़ा देर रुकना पड़ेगा उसको उसके बाद वापस एक्सिलेट होता है सी से डी ओके फिर डी पे भी रुका रहेगा ठीक है तो बेसिकली डी टू बी टू बी टू बी इट विल गो इन नेगेटिव वेलोसिटी देन फ्रॉम बी टू ए इट विल गो इन पॉजिटिव वेलोसिटी या या देन एट या हां व्हाट या बनाओ ना See, Sid, after this, you know, this particular part is wrong. Because now its x reduces because he's coming back. Exactly what I was asking. Yeah, exactly. No, but it's so it will never go into negative area. This is not negative x. The x will reduce. But this will not be negative. Okay, but then how do I draw acceleration? How do I draw deceleration? How do you draw what? How do I draw the graph after that? So see, you've reached here till C, you know, uske baad you accelerated again and then you reached and then stopped here, okay, at D. Then what happens after D, you've stopped and then again you, now you are accelerating on the opposite direction. So you will go like this, you know, like this, sorry? Constant velocity, like this. Are you able to see the graph or should I make it with red? So you will go till here. ओके ठीक है मिटा दिया चलो मैं खुद से बनाता हूँ और यू नो व्हाट आई जस्ट मेक इट हियर ओके आई एम मेकिंग नाउ ओके सो दिस इज हाउ द एक्स टी ग्राफ इज गोइंग टू बी सो पहले तो एक्स या सो इट एक्सेलरेटेड सो इट विल बी लाइक दिस आफ्टर एक्सेलरेशन इट रीच्ड अ सर्टेन वेलोसिटी सो इट गोज लाइक दिस आफ्टर दैट देन इट डिसेलरेट्स and stops for the gate, right? Decelerates and stops. So now it has stopped at the gate. So this is stopped. Now again,
Yeah. Again, from gate, it starts accelerating, reaches certain velocity, and decelerates and stops again at the gate. यहाँ तक तो सब clear है. अब gate पे छोड़ा उसको, stop होने के बाद छोड़ दिया. अब वहाँ से वापस he starts to come back. When he starts to come back, he accelerates. But for our graph, it decelerates, right? So अगर इसको decelerate करना, तो the curve will have to come like this, decelerates, and then it attains certain velocity, right? And then there is gate, but वो gate तो खुला हुआ, so it attains certain velocity. It goes till here, till the end, and then it reduces its speed, so it becomes like this, and then it stops. This is how the graph is going to be. Check, guys, if you understand. This is O, okay, this is A, B, this is C. Again it goes, and this is D. Now see if you understand the graph. Any doubts? Could you explain after this decelerates? So which part decelerates here, which part? Yeah, this after part. D. After D, okay. So see, it reached at D, okay, then it starts to go this side, right? So every time it accelerates this side, we call it deceleration, because for us this side is positive and this side is negative. So now it started to accelerate this side, right, after dropping. But for us it's deceleration, so there's a curve like this. And after decelerating, it gets a negative velocity in this, because it is, there's a velocity in this direction, so it will be negative velocity. So it has got a negative velocity, as you can see. Why? Because the theta is negative. So this is why it is a negative velocity, right? And then it starts to decelerate in this direction. If it starts to decelerate in this direction, matlab acceleration is in this direction, which means there is an acceleration. So it accelerates a little, and then it becomes zero velocity. क्योंकि पहले नेगेटिव वेलोसिटी थी, तो वहां तो उसको एक्सेलरेट करके जीरो बनना पड़ेगा, है ना? यू गाइस गेट इट? आएगा, कोई बात नहीं, अभी और करेंगे तो आएगा. ठीक है, चलो. सो अब यहां से पूरा समझ गया ये ग्राफ तुम्हारा, है ना? ये हो गया एक्सेलरेशन, 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 वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ भी हो गया, ओके. एटी ग्राफ भी आ गया तुमको. बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड स्लोप क्या होता है और बाकी सारी चीजें, ठीक है? ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग आई'd लाइक टू टेल यू. ओके, चेक दिस. सो इन अ एक्सटी ग्राफ, दिस स्लोप गिव्स अस व्हाट? इन द एक्सटी ग्राफ द स्लोप व्हिच इज टैन थीटा गिव्स अस व्हाट? वेलोसिटी. वेलोसिटी, राइट? सो इफ द एक्सटी ग्राफ इज लाइक दिस, तो स्लोप एट एनी पॉइंट एंड स्लोप एट दिस पॉइंट इज दिस, है ना? तो दिस स्लोप इज ऑब्वियसली मोर देन दिस स्लोप, व्हिच मींस हियर द वेलोसिटी इज मोर एंड हियर द वेलोसिटी इज लेस, राइट? एंड दैट्स व्हाई दिस इज द ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन, बिकॉज द स्लोप इज इंक्रीजिंग. ओके, नाउ इन वीटी ग्राफ, द एरिया अंडर द कर्व, सो दिस इज द ग्राफ, सो द एरिया दैट इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, you know, gives us the displacement. Why? Because this is v into t gives us displacement. So when you multiply this into little bit of this, and then this, and then this, 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 you know, it gives us displacement. Got it? So there might be situations, yes, where you'd get something like this. Suppose a vt graph is this, right? This is your vt graph. So what will be the total displacement of the object at the end? So what you'll do is you'll figure out this, and this is going to be negative. So what you'll do is whatever area, this area minus this area will be your final displacement. Okay, got it?
Yes, sir. Yes, okay. Sir. All right. Let's move on. Yeah. Chalo, let's do some questions now. Chalo. Position time, velocity time, acceleration time banana hai tumko iska. If a body is projected vertically upwards with initial velocity u, take the projection point to be origin and upward direction is positive. Chalo. Do this. So position time can be taken as the xt graph, right? It is xt. Position time is xt. Okay. Or st. So is the body accelerating, decelerating, or is it just constant? What do you think? Upar fake hai to kya hoga? It will be decelerating. Huh? हो गया, बन गया, तो बहुत आसान है यार. Anybody wants to give it a shot? Give it a try. सर एक्सेलरेशन टाइम तो स्ट्रेट लाइन होगी तो थर्ड वाला करेक्ट. एक बार बनाओ ना, बना के दिखाओ मेरे को. चलो पोजीशन टाइम बना के दिखाओ कौन बनाएगा. एटलीस्ट सबसे पहले एक्सेलरेशन टाइम बना के बताओ. एक्सेलरेशन टाइम से फिर बाकी सारी चीजें बनेंगी. चलो भाई कौन बनाएगा? धृति मेक एक्सेलरेशन टाइम हियर. यस सर. एक्चुअली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ फिर तुम बना लेना ना. एक्सेलेरेशन टाइम चलो कितना होगा एक्सेलेरेशन टाइम इसका? बनाओ. या एक मिनट. एक्सेलेरेशन विल बी जीरो जीरो ओनली. इट विल बी कांस्टेंट 10. नहीं रॉन्ग. Throwing it up, it won't be constant. When you're, no, then also it won't be constant anyway. How, Dhriti? It will always be G. कल तो इतनी बार समझाया था उस दिन जब पिछली क्लास में. चाहे तुम थ्रो कर रहे हो, नहीं थ्रो कर रहे हो, अपने चेयर पे बैठे हो, कहीं भी पकड़े हो बॉल को. The acceleration is because of the force that earth is providing to the ball. It has nothing to do with the ball's motion. So acceleration is always. How much? Constant 9.8. हाँ, 10. तू हाँ नीचे की तरफ. Now obviously when you are
giving any other force to it to mitigate. For example, now when you are sitting in the chair, you know, then you're not moving. But Earth's gravity is still 9.8. But because there's a force because of the chair, so we are not moving. But acceleration due to gravity is going to be 9.8 irrespective of, you know, anything else. Okay. So, this is all wrong. ऐसा नहीं होएगा. मैं तुमको बना के बताता हूँ. यार, तुम लोग नहीं दे रहे हो सही आंसर यार. मजा नहीं आ रहा मेरे को. दो ना. Sid Merchant, do you want to give it a shot? और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. उसमें लिखा है अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव. Who wants to give it a shot? So could I try? Ah, correct. That's correct. So it's always minus 10. You know, minus 9.8. Or minus G, better. Which is more accurate. It will be minus G because upward humne liya. So this will be your acceleration time graph. Okay? Okay. Now, Ishita, you want to try, right? So go for velocity time graph. How will be velocity time graph? तो इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसा. या सो टेल मी हाउ विल बी वेलोसिटी टाइम ग्राफ. चलो इशिता. सर आई एम नॉट रियली श्योर. एक सेकंड. ऊपर की तरफ फेंका ठीक है और ऊपर पॉजिटिव है. तो जब फेंका था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी यू. हु वांट्स टू गिव इट अ शॉट? सिद मर्चेंट. हु सेड? धृति. ओके गो धृति. या इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज यू. व्हाट? कंट्रोल जेड कर दो उसको. आई डिडंट ड्रॉ एनीथिंग. हु ड्रू? इशिता ड्रू. मैंने नहीं ड्रॉ किया. मैंने कुछ जस्ट ठीक है. ठीक है भाई. ठीक है. इट्स ओके. ऑलराइट. अब करो. तो यहां से व्हाट हैपेंड? देन आई डोंट नो. ये हु इज ड्रॉइंग दिस? दिस आई एम ड्रॉइंग. वेट वेट. Okay, initial velocity is u, and so, and I'm throwing it upwards. So, its velocity will thoda increase. It'll increase upar fekne pe. Nahi, decrease hoga. Jaldi banao yaar. So, can I try? Yes. Try. It will be like it will touch the timeline. Nope. Because it will first decrease when it is going up, and when it touches the top, it will be zero. Yeah. And then it will again increase when it is coming down, and again. थोड़ा सा issue है Maya's उसमें. थोड़ा सा issue है. उसको delete कर दो. First line तो सही होगा ऊपर का. हाँ, पहली line सही है. उसके बाद जो तुम्हारा ऊपर गया वो गलत है. उसको delete करो. है नहीं. Do we have to drop both? It will go below the. Timeline the because it will become negative. It will be like this because okay so because ye chalu are yaar okay kya ho gaya hata kyu diya chalo theek hai main khud bana deta hu wapas so ye u se chalu hua theek hai fir u se chalu hua aur पहले जो हमने 80 ग्राफ बनाया था उसके हिसाब से भी डायरेक्ट सिर्फ एक लाइन ही होगी ना बिकॉज एक्सीलरेशन कहीं पे चेंज नहीं हो रहा. इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव एक्सीलरेशन. बट फिर भी समझाने के लिए समझा देते हैं कि पहले तुमने फेंका ऊपर बॉल तो यू वेलोसिटी थी. उसके बाद वेलोसिटी उसकी कम होती गई कम होती गई कम होती गई कम होती गई. उसके जो टॉप मोस्ट एरिया पे पहुंच टॉप मोस्ट साइड पे पहुंचा तो जीरो होगी. उसके बाद क्या होगी नीचे की तरफ बढ़नी शुरू होगी वेलोसिटी. तो अब नेगेटिव होती जा रही है ना वेलोसिटी क्योंकि नीचे की तरफ हो रही वेलोसिटी. इससे पहले तक तो पॉजिटिव थी वेलोसिटी फिर नेगेटिव होनी शुरू हुई. नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा और ज्यादा. ठीक है. So this is what its VT graph will be. All right. अब इसका position time graph बनाओ फटाफट. चलो.
अब इसका पोजिशन ग्राफ टाइम ग्राफ बनाते हैं. So the position, okay. बनाओ. तो जीरो से चालू हुआ इसका पोजीशन, फिर बढ़ता गया. या इट बी लाइक अ पैराबोला और एन शेप. व्हाट अपवर्ड फेसिंग डाउनवर्ड फेसिंग कैसा पैराबोला? डाउन एन शेप अपवर्ड. एन शेप. गुड. या सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस क्योंकि अब डिसेलरेट हो रहा है. हां वेरी गुड. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस. टी लाइन के नीचे नहीं जा रहा बट हां करेक्ट. सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस वेयर इट्स इसका वेलोसिटी था u, तो ये जो स्लोप है ये u है, लेकिन अब स्लोप कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, फिर एक टाइम पे जाके स्लोप जो है जीरो हो गया. उसके बाद अब स्लोप नेगेटिव होने लगा क्योंकि नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, नेगेटिव वेलोसिटी हो गई, नेगेटिव. उसके बाद फाइनली आके यहाँ पे आया जब उसका वापस ओ पे पहुंच गया वो, है ना. तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो, लेकिन दिस इज द ग्राफ, है ना. गॉट इट? ओके यस सर. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? 10th में कुछ और ही सिखा दिया था. अच्छा वो गलत सिखाया था फिर तुम्हें? 9th और 10th में भी यही सिखाना था? हाँ वो गलत सिखा देते हैं यार, वो 9th 10th के स्कूल में वो मतलब वो टीचर्स वगैरह थोड़ा गलत सिखा देते हैं, बट हम सब सही सिखाते थे. ठीक है. तो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. एक्सटी ग्राफ इज लाइक दिस, वीटी ग्राफ इज लाइक दिस, एंड एटी ग्राफ इज नेगेटिव ऑफ जी. ओके चलो अब ये बना, अब ये हर कोई अपनी कॉपी में बनाओ और मेरे को फोटो खींच के अपने उसमें भेजो व्हाट्सएप ग्रुप पे. तीनों एक साथ कॉपी में बना लेना, उसकी एक फोटो खींचना और भेजना. ठीक है. If a body is dropped from a height h above the ground, take the dropping point to be origin and upward direction is positive, then make this. Chalo. I'm going to give you 3 minutes to do this. Within 3 minutes, I want everybody's pictures. क्या हुआ? अभी तक नहीं आया. So where do you have to send? हाँ. So where do you have to send it? In the group. Okay. Just one picture with all three images, all three graphs.
Sid Merchant. She says upward direction is positive. So how is your AT graph at plus 9.8? It's wrong. Sid Merchant, this is wrong. So you'll have to do it again. Yeah, I made a mistake. Sorry. Ishita, wrong. Do it again. See, positive direction is upward direction is positive. Dhyan se karo. So were all my graphs wrong, or was it only the axis direction? Sorry, say it again. Were all my graphs wrong, or was it only the axis direction? All graphs. अंश गुप्ता रॉन्ग. उसमें बोला है कि जो ड्रॉपिंग पॉइंट है वो ओरिजिन है. तो टी इक्वल टू जीरो पे एस इक्वल टू जीरो होगा. ठीक है, डिलीट करो, वापस बनाओ. और जब ड्रॉप किया तो ऑब्वियसली टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी जीरो होगी ना भाई, फिर वहां से बढ़नी शुरू होगी. So S can't be negative, right? Like displacement can't be negative. Of course, right? Of course displacement can be negative. Displacement is vector quantity, can be negative. Yeah. Of course it can be negative because origin से origin अगर dropping point है तो उससे तो नीचे आ रहा ना वो negative direction. धृति का क्या है? धृति का AT ठीक है, VT wrong है. VT starting point तो zero ना V की. जब time zero था तो उसके पास कोई velocity थोड़ी थी. गलत है धृति. तरन्नुम रॉन्ग है. तरन्नुम जब जीरो थी उसके बाद उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? जब जीरो थी तुमने गिराया उसकी पॉजिटिव क्योंकि वेलोसिटी की नेगेटिव. पोजीशन टाइम करेक्ट है वो भी रॉन्ग. नहीं मेरा गलत है. ओके okay Sid Merchant says minus 9.8. okay ST graph is very good. Yes, very good Sid Merchant, finally all three correct answers. Good, very good. Sir, I didn't understand the ST graph. Sir, just a second. Yeah, what did you say? Sir, I didn't understand the ST graph. You didn't understand the ST graph. हाँ. Okay. अभी देखो, तुमने H height से गिराया, ठीक है? जैसे गिरा रहे हो तो उसकी उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो रहा है कि पॉजिटिव हो रहा है? नेगेटिव. करेक्ट, क्योंकि नीचे का डायरेक्शन नेगेटिव है तो वो नीचे की तरफ ही जा रहा है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता जा रहा है, तो नेगेटिव होता जा रहा है, राइट?
अब हमको देखना है कि उसका स्लो कैसा होना चाहिए। तो चालू जब हो रहा था तो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, उसके बाद धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? नीचे की डायरेक्शन में, इसका मतलब ज्यादा नेगेटिव होते जा रही है। तो उसका जो स्लोप है पहले जीरो रहेगा, उसके बाद ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा, नेगेटिव स्लोप होता जाएगा। इसलिए जो उसने सेठ मर्चेंट ने बनाया वो सही है, क्योंकि उसमें पहले स्लोप ऐसे जीरो था, एक्स के लाइन में था, उसके बाद धीरे धीरे और नेगेटिव होते गया ना। ओके 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 अभी धृति का है क्या बनाया इसने? धृति ये क्या है, कौन सा ग्राफ है ये, क्या लिखा ऊपर? पोजीशन टाइम ग्राफ। आई जस्ट गिव द पोजीशन टाइम इज नॉट पीटी एवर, इट इज एसटी और एक्सटी। पोजीशन पीटी तो फिर मोमेंटम हो जाएगा ना। सॉरी ओके, पोजीशन टाइम इज रॉन्ग धृति। व्हेनेवर अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड इट कैन नॉट हैव अ स्ट्रेट लाइन ना, इट इट विल ऑलवेज बी कर्व। ठीक है कुछ है बनाओ। और ठीक है बना लो खुद से। और तरन्नुम तुम्हारी तरफ से नहीं आ रहा कुछ? अच्छा ये वीटी भेजा था तुमने, वो गलत था ना वीटी? चलो वापस भेजो सब लोग सही से, तो वापस भेजा है। Ishita, I hope you have not copied from Sid. You made it yourself, right? हाँ सर। तो AT गलत है उधर। A positive कैसे? A नीचे के direction में ना? ओह। ठीक है ध्यान से। चलो, आगे बढ़े। Okay, next question. So see, this is how it's going to be. Okay? Yeah. Or negative. Yeah. Okay. हाँ ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसका कैसे बनेगा? अब इसका बना के भेजो फटाफट बिना गलती के। अब इस बार बिल्कुल गलती मत करना। So the body will fall down below the building, right?
Sid, come in. Yes, sir. So tell me, why have you made up AT as pehle positive and then negative? It'll be negative and then positive, babe. No, but tell me, why will it be negative? Is gravity changing in between? Isn't the direction changing? The direction of gravity is changing? Oh yeah, it's always acting downward, sorry. This is a very big misconception. People do this, so this is not correct. Huh? So gravity is always downwards. Always. It doesn't matter where the ball is going. Gravity is always niche ki taraf, right? And if you've taken upward direction of positive, it's throughout it's going to be -9.8. Yeah. Yeah. So now after that you threw the ball upar, so theek hai, you se feka. So you fir kam hote 0 pe pahuncha, fir aur aage tak jayega na, kyunki niche ja raha hai, to uska it will be more ahead. उसके बाद जो एस टी ग्राफ है वो तो पहले बड़ा ना, उसका एस बड़ा, इल बी लाइक दिस, इल गो ऊपर की तरफ, इल बी इट द सेम ग्राफ बट इल गो ऊपर की तरफ, बिकॉज वो तो ऊपर जा रहा है ना, पहले तुमने बॉल फेंका तो डायरेक्टली नेगेटिव थोड़ी जा रहा है वो, पहले तो पॉजिटिव जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रहा है. But the total displacement is only from the building, right? Like downward. Say it again, what? The total displacement is the equivalent of the ball downward. Yes. So the moment you threw it, in the next second, will it go upwards or downwards? It will go upward, but it's falling back down to the same point. So that displacement just gets cancelled off. Then only you're counting the downward part. No, but you're making a graph here, right? So you're making a graph of 0 second, 1 second, 2 second, 3 second. That's why it's a T. Time is there in x-axis, right? So in 0 second, it was at zero position. Then on 1 second, it was at positive. Yeah. Mayas ne bheja. Mayas acceleration time mein again acceleration positive kyun le liya bhai? Aur XT kya bana hai? XT kaise bana hai idhar zero? XT waise hi bas aise khada hua XT. I got it. और ATB A zero रहेगा. Okay, इशिता पांडा. इशिता acceleration positive नहीं है, negative है पहली बात. और ये क्या बनाया? VT कि XT? तुमने दो दो VT बनाया उधर. So that is, oh sorry, I wrote it as U by mistake. That's X. तो अगर X है तो पहले देखो. ठीक है, मैं समझाता हूँ. यार तुम लोगों को graph नहीं आ रहा. तो थोड़ा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा. आई थिंक आई विल कीप डूइंग ग्राफ ओनली फॉर नाउ. देखो ये देखो, अब पहले तो मैं 80 समझा देता हूँ, ठीक है? ये देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, बाद में खुद से बनाना, ठीक है? 80 हमेशा ए कितना है, नीचे की तरफ है 9.8, तो इट इज -9.8 हमेशा. डजंट मैटर कौन से पोजिशन क्या कैसे, ठीक है? हमेशा 9.8 है, ठीक है? दिस इज क्लियर. Okay, clear my drawings. Okay, now draw format black. Okay, now making VT graph. Okay, VT. So V जब उसने फेंका तो किसी u velocity से फेंका उसने, है ना? ठीक है, u velocity फेंका. अब उसकी जो velocity है वो बढ़ते जाएगी कि कम होते जाएगी? उसने फेंका तो यू से, लेकिन उसकी वेलोसिटी अब कम होते जा रही है ऊपर की तरफ. अभी भी ऊपर की तरफ है बट कम होते जा रही है. फिर जीरो हो जाती है, उसके बाद नेगेटिव हो जाती है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे, फिर बढ़ते जाती बढ़ते जाती बढ़ते जाती बढ़ते जाती, है ना? दिस विल बी द ग्राफ, राइट? दिस विल बी द वीटी ग्राफ. ओके, नाउ कमिंग टू एक्सटी ग्राफ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखो, XT ग्राफ कैसे बनाते हैं कभी भी, ध्यान से. अब उसने किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंका, लेकिन वो कह रहा है कि जिस हाइट से फेंका उसको हम ओरिजिन मान लेंगे, जहां से फेंक रहे हैं उसको ओरिजिन. तो जब T जीरो था तो वो ओरिजिन भी था, फिर हमने उसको ऊपर फेंका हुआ. ये देखो, ये बॉल ऐसी है बिल्डिंग के ऊपर, फिर ये यहां से ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, फिर यहां जाके रुक जाती है, फिर नीचे आती, नीचे आती, फिर नीचे जाते रहती है ना. तो बेसिकली इट्स डिसीलरेटिंग ना. तो पहले उसकी जब फेंका तो स्पीड ज्यादा थी, तो ये इसका स्लोप ज्यादा था,
स्लोप कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, कम होते गया, फिर एक जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे जब पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो स्लोप जीरो हो गया है ना। उसके बाद वापस आ रही है तो अब स्लोप नेगेटिव हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी पॉजिटिव ही है, कम होते जा रहा है डिस्प्लेसमेंट लेकिन पॉजिटिव ही है, ठीक है। सो विल बी लाइक दिस, सो दिस विल बी द ग्राफ, और फिर ये जब प्रोजेक्शन पॉइंट से यहां तक तो प्रोजेक्शन पॉइंट हो गया, लेकिन उसको क्रॉस करके अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इट विल बी लाइक दिस, गेट इट, ओके, दिस विल बी द ग्राफ, एवरीवन गॉट इट, एकदम ध्यान से सोच के बनाया करो, ठीक है, आ गया समझ में गाइस? हां सर, हां कंफर्म, ओके, ऑलराइट सर, हां या टेल मी सर, इफ आई एम थ्रोइंग द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड टू टू द अपवर्ड एरिया, देन ए विल बी अप ना? नहीं, ये देखो, सो इफ यू आर थ्रोइंग दिस पर्टिकुलर बॉल ऊपर की तरफ, ठीक है, इसका ग्रेविटी किधर लग रहा है? ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है जी, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है इसलिए बॉल डिसेलेरेट हो रही है और धीरे 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 यहाँ पे जाके रुक जाएगी। अगर ऊपर की तरफ ही लग रहा होता एक्सीलरेशन तो चलते जाती और उसकी स्पीड बढ़ जाती ऊपर की तरफ, लेकिन वैसा नहीं हो रहा ना, नीचे की तरफ लग रहा है एक्सीलरेशन, दैट्स व्हाई दिस बॉल विल डिसेलेरेट, है ना, क्योंकि नेगेटिव एक्सीलरेशन लग रहा है उसको, आया? तो फिर आई एम थ्रोइंग इट फ्रॉम अप डायरेक्टली फ्रॉम अप टिल डाउन, देन इट विल बी पॉजिटिव, यस, हां, मतलब जी तो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तुम्हारा तुमको डिपेंड करता है कि तुमने ऊपर को पॉजिटिव लिया कि नीचे को पॉजिटिव लिया। तो अगर तुम नीचे की तरफ भी फेंकोगे, फॉर एग्जांपल ये देखो, अभी तुमने नीचे की तरफ फेंका, ठीक है, बॉल को, तो अब हमने जी भी नीचे है और यू भी नीचे है, तो यू भी नेगेटिव है क्योंकि हमने नीचे की तरफ को नेगेटिव लिया इसके हिसाब से, और जी भी नेगेटिव है, समझे? लेकिन अगर अभी हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका होता यू, तो U पॉजिटिव होता और G नेगेटिव होता। अब इस वाले केस में दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि दोनों नीचे जा रहे हैं, ठीक है, आया? So, तो हर केस में A will be negative, ना? नेगेटिव, करेक्ट, हर केस में A को नेगेटिव ही ले लो, नीचे की तरफ नेगेटिव ले लो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव ले लो, ठीक है, ओके सर, ऐसे बनाया था मैंने, चलो बनाओ उसको, डू दिस क्वेश्चन एंड सेंड योर पिक्चर्स ऑन व्हाट्सएप,
Car starting from rest accelerates uniformly at blah blah for 5 seconds, then moves with constant speed and then comes to rest restarting. ये तो अभी हमने वैसे भी किया था ना, बनाया था इसको. Acceleration correct. So Sid Merchant पहला तो तुम्हारा सही है. उसके बाद velocity वाले में भी ये भी सही है. Very good. Sid Merchant is cracking it. Now coming to Ansh Gupta. अरे बाप रे अंश गुप्ता, ये 80 ग्राफ एक ही टाइम पे 200 एक्सीलरेशन कैसे हो गया उसका? हाँ एक टाइम पे वो पॉजिटिव में भी है नेगेटिव भी है, ये तो कोई नोलन की मूवी लग रही है. बाद में इट सेड नहीं रिटार्डिंग एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. हाँ लेकिन एक ही टाइम पे नहीं हो सकता ना भाई, टाइम इज सिंगुलर स्टफ. ओके ओके धृति ने क्या बनाया ये? अच्छा फिर ये ओके करेक्ट गुड. अब बन रहा तुम लोगों से नाइस वेरी नाइस. एक्सटी नहीं बनाया इसने, मायस ने. इशिता पांडा नहीं, इशिता एक्सटी गलत है तुम्हारा. इशिता बीटी सही है, एटी भी सही है. हाँ ओके हो गया. फिर आ गया इशिता. तरन्नुम को क्या हो गया था? टाइम एक्सप्लेन कर दो. हाँ वापस एक्सप्लेन करूँ? डिस्टेंस टाइम सिर्फ. डिस्टेंस टाइम ठीक है. ऑलराइट ओके या कोई एक्सप्लेन कर दो. चलो मैं ही कर देता हूँ. कैन आई ट्राई? या श्योर गो अहेड. So they're saying that the car from rest it accelerates uniformly at 2 meters per second for 5 seconds. So distance time graph pe first we draw the accelerating graph with the curve on the inside. Then it is saying that it moves with constant speed, so it'll be a straight line. After the curve we'll continue it into a straight line. And baad mein. Maine draw karke karna padega na aise thodi. चलो ठीक है एक्सप्लेन कर दो फिर मैं ड्रॉ कर लूंगा. एंड देन वी इट्स रिटार्डिंग सो दैट इज डेसेलरेटिंग सो ऊपर जाके थोड़ा कर्व लेके इट विल स्टार्ट गोइंग डाउन दैट इज व्हाट. ओके सी सो यहां पे क्या है एक्सटी ग्राफ ना तुम्हें चाहिए. कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स, एक्सेलरेट्स है तो ऐसा होएगा है ना एक्सेलरेट्स. यूनिफॉर्मली एंड देन मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, तो ऐसे एक्सेलरेट हुआ. इसके बाद ये जो भी वेलोसिटी थी इसी वेलोसिटी को लेके आगे गया. देन मूव देन एंड देन इट रिटार्ड्स एंड कम्स टू रेस्ट. Retards comes to rest. That's it. Got it. आ गया समझ में? Yes. So जब accelerate हो रहा है तभी ऊपर को curve रखना है और जब मतलब हाँ क्यों ऐसा क्यों accelerate हो रहा है तो ऐसा क्यों रखना है? Because ये देखो इसका इसका जो slope है पहले zero था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है. इसका मतलब velocity बढ़ रही है है ना. यहाँ पे वेलोसिटी इतनी थी अब कम हो रही है तो स्लोप भी कम हो रहा है ना. दैट्स व्हाई इट्स लाइक दैट. ठीक है डन.
हाँ जी so which question is this fourth no sir so the proper question I didn't understand what sir not the sub question the so which question number is this oh that I don't know but why do you need question number ये तो एग्जांपल है सी वी आर जस्ट डूइंग द एग्जांपल ओके 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 तो ये ऐसा ठीक है ये अभी बनाया तुमने कूल ये भी है तो ठीक है बहुत सारे सवाल हैं इनको मैं तुमको प्रैक्टिस के लिए दे दूं कि कराऊं यस सर नहीं सर प्रैक्टिस के लिए दे दो चलेगा ठीक है तो यहाँ ग्राफ 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 ठीक है ठीक है अब यहाँ पे क्या है इसको देख लो ये करते हैं चलो तुम्हें वो निकालना सिखा देते हैं कि कैसे वो निकालते हैं स्पीड और displacement ठीक है तो ये formula हो गया चलो इसको ये सवाल करो या करने की जरूरत नहीं अब यहां तो आंसर ही दिख रहा है तुमको ये देखो if at t equals to 0 u equals to 5 meter per second ठीक है then velocity at 10 सेकेंड ये क्या है एटी ग्राफ है तो एटी ग्राफ का जो एरिया वो क्या दिखाएगा क्या लगता है तुमको चेंज इन वेलोसिटी है ना चेंज इन वेलोसिटी दिखाएगा क्योंकि ए इंटू टी का वेलोसिटी है तो चेंज इन वेलोसिटी दिखाएगा तो पहले 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड था और इसका एरिया कितना हो जाएगा 5 × 10^50 तो 50 एड हो गया इस पे तो 55 मीटर पर सेकेंड हो गया है ना Because this is showing you change in velocity, ठीक है चलो If at equal to 0, u equals to 2 meter per second. Final maximum velocity. अब यहां पे देखो इसका एरिया कितना हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब 25 meter per second इसकी चेंज हुई वेलोसिटी की तो 25 + 2 = 27 हो गया तो 27 डन है ना आ रहा क्या समझ में हेलो आर यू गाइस देयर ओके सर नाउ एरिया निकालना समझ आया बट ये लॉजिक नहीं समझ आया कि हम ऐड क्यों कर रहे हैं ओके ओके ए इंटू डी टी कितना क्या होएगा ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी है ना एक्सीलेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी ना तो डीवी इक्वल टू ए इंटू डी टी ठीक है तो यहां पे एनोटेट ओके यहां पे ये ए है तुम्हारा यहां पे जो भी ए है ए इंटू डी टी क्या दे रहा है हमको ये एरिया दे रहा है इतना और उसको इंटीग्रेट कर दोगे ए डी टी फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टू इक्वल टू तो ये तुमको पूरा एरिया मिल गया तो दैट इज गिविंग अस व्हाट डीवी चेंज इन वेलोसिटी तो अगर शुरुआत में यू था और उसमें इतना चेंज है तो यू प्लस डीवी फाइनल वेलोसिटी हो गई है ना आया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओके बट गुड 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 दैट यू आस्क मी ओके चलो अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे सिमिलरली अगर ये वी टी ग्राफ होता तो उसका एरिया जो हमको दिखाता वो होता चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना बिकॉज वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी तो वी इंटू डी टी वुड हैव गिवन अस डी एस तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट दिखाता ठीक है क्या चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ Okay, do this question.
Everyone, do the question, give me the answer. So 204. बताओ, स्टिल वेटिंग गाइस? सर, आई सेंट इट ऑन प्राइवेट चैट. ओह, यू डिड? ओके, आई दैट्स व्हाट आई एम वंडरिंग. आई डोंट नो चैट. या चैट में, अरे बहुत लोगों ने भेजा है. डैम, यहाँ पे देखो, इक्वल टू जीरो पे कितना हो गया? यू चार है ना, यहाँ पे कितने हो गया? 54 हो गया, करेक्ट. इसके बाद यहाँ पे क्या हो गया? 200 प्लस 54, तो 254 हो गया. ये 104 क्यों है इशिता? सर, सबका साथ में नहीं निकालना, निकालना है ना. सो 10 पे कितना है, 20 पे कितना, 30 पे कितना? तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ तक, यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे इसकी थी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है. यहाँ पे कितनी होगी, एरिया आएगा 50, यहाँ होगी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 50 प्लस 4, तो यहाँ पे हो गए 54 मीटर पर सेकंड, ठीक है. अब 54, अब यहाँ पे और कितना चेंज हो गया, 200, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 254 मीटर पर सेकंड, है ना, क्योंकि इधर तो 54 ऑलरेडी पहुंच गई थी, फिर इतना चेंज और हो गया. फिर यहाँ पे कितना हो गया, 10, वही 50, है ना, तो यहाँ पे हो गया 304. यहाँ पे जब पहुंचेगी तो 304 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है. Shouldn't it be 154? Where? Instead of 254, because you're... Yes sir, 154.
Why? Because there's rectangle, so it's from 10 to 20, not 0 to 20. Haan, correct. Right? So this is just 10. So 10 into 10 is 100. So this is going to be 154. And 154 plus 50 is going to be 204. Correct. Theek hai. So Ishita, you're first to answer the correct, but the 54. Huh? You add only once. Like 4, you add 4 only once. Like you add 4 only to 50 and then you just carry that forward. Or do you add 4 everywhere? No. So we started with 4. Now the velocity became 54. So whatever change is coming on 4, 54, right? So then it became 100 plus 54, it became 154. Now, whatever change is going to happen is going to happen forward to 154. So 154 plus 50 will become 204. Okay. Okay. Like this. Sir, what I did was I found out the area of the trapezium at like the hole and then added 4. Huh, but wo to, that would give you only at the end of 30 seconds, na? But we also need to find at the end of 10 and 20. Okay, so 54, 154 and 204, okay? Okay. Cool, done. Achha, batao, yahan pe kya ho raha hai is graph mein? What is happening in this graph? So there are two motion A and motion B. So what is T0 telling us? They were at the same distance at that point. No, so T0 is telling us that they collided at that point. Exactly. Okay, they collided at that point. What is X0 telling us? The starting point. Of B, right. Okay, which one has more velocity, A or B? A. Very good, because slope more is more. Theta. Gradient. Okay. Zyada. Right. Which one has more acceleration, A or B? Both have constant acceleration. A has more acceleration. Sid Merchant, what do you think? Which has more acceleration? Sir, how? Constant acceleration. Sir. No, both have zero acceleration. Bye. Exactly. Yeah, I meant zero, sir. Because this is uniform velocity, zero acceleration, okay? And basically here yahan pe kaun kisko overtake kar raha hai? A, I think. Correct. A is going to overtake B. Because A has a larger distance. Correct. A is going to overtake B. And then who wins the race? A wins the race. Okay. All right. Unless he takes a break. Correct. Abhi ye batao, X or ye A or B hai, theek hai? Isme A kya motion pe hai, kaunsi motion pe? Is it at rest? Uniform. Is it uniform? Ah, okay, uniform. Or B? Increasing. No. Increasing. No. It's uniform accelerated motion. What? B is in uniformly accelerated motion, na? B is at acceleration. Huh? What? Sir, hello? B is at acceleration or is it at uniform? No, accelerated. Uniformly accelerated. Uniformly accelerating and A is at acceleration. And this is uniform motion. B is at uniformly accelerated motion. A is at uniform motion. Okay. All right. And B overtakes A at time T2. Hai na? At time T1, why is time? What is time T1 showing us? They were both at the same speed. Very good. That both A and B are at the same velocity. Okay, that's what time T1 is telling us. Theek hai? Good. Aage abhi graph tum log ko. Done. Guys, are you feeling a little comfortable with graphs now? Better than before. Okay. So I'm going to send you questions to practice. The more you practice, the more confident you'd feel. Theek hai? Chalo. And these things are very important because these are very simple chapters for now. You know, motion, a straight line is simple. Uske baad thoda plane jab aayega to thoda complicated hoga. But the moment Newton's laws would come in, then things are going to get really complicated. Okay. So that's why these things are very important and you should become really comfortable with these.
and then later it'll become very easy and you'd actually see your core competence, you know, your edge against all your other students. Because if this becomes really good for you, tumhara baki bahut aasan ho jayega. Theek hai? Chalo. So I'm going to upload the these videos wo Y Academy ke channel pe upload ho jate hain roz. To tum wahan se revise karna to revise kar sakte ho. I'm going to send you the questions. You can practice those. Theek hai? Okay, sir. All right. Bye bye. Bye, sir. Bye.